प्रधानमंत्री मोदी आज प्रयागराज के दौरे पर हैं। वे निषादराज क्रूज में सवार होकर संगम के तट पर पहुंचे। उन्होंने साधु संतों से मुलाकात की। पीएम मोदी के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। पीएम ने संगम नोज पर पूजा और अर्चना की। गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों के संगम स्थल के रूप में इस पवित्र शहर का एक बहुत ही विशेष महत्व है। संगम तट पर 12 साल के बाद लगने जा रहे महाकुंभ को खास बनाने की तैयारी है। सीएम योगी की तरफ से इस आयोजन को लेकर तैयारियों का जायजा भी लिया गया। अगले महीने 13 जनवरी से महाकुंभ का आयोजन होना है। इसके मद्देनजर ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण। इसमें एक महीने पहले पीएम मोदी ने संगम नगरी पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कलश पूजा भी की। अधिकारियों को निर्देश दिए महाकुंभ में आने वाले साधु संतों और लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसका खास निर्देश दिया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने परियोजनाओं के लोकार्पण के साथ ही दुनिया को महाकुंभ का निमंत्रण भी दिया। पीएम मोदी अपने प्रयागराज दौरे पर 4 प्रमुख कॉरिडोर का तोहफा भी देंगे, जिनमें भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर, श्रृंगवेदपुर धाम कॉरिडोर, अक्षयवट कॉरिडोर और हनुमान मंदिर कॉरिडोर भी शामिल है। तो महाकुंभ से पहले प्रधानमंत्री मोदी का प्रयागराज पहुंचना, जायजा लेना, दुनिया को महाकुंभ आने का न्योता देना, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज की, जहां पर आज प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। इस वक्त मौजूदगी भी है प्रयागराज में ही प्रधानमंत्री मोदी की। 13 जनवरी 2025 से शुरुआत महाकुंभ की और उसके मद्देनजर तमाम तैयारियों को देख रहे हैं खुद प्रधानमंत्री मोदी। योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद, आप देख सकते हैं तस्वीरों में केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, आनंदीबेन पटेल, सभी की गरिमामय उपस्थिति।